बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, रहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम जी, मैं मैसूर इंडिया से आपका मुरीद, आपका गुलाम शेख इमरान खान मुनीर बात कर रहा हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, ख्वाब भी कर्ज करना था आपसे। अरे जी, पिछले शब मैंने ख्वाब देखा तकरीबन 7 दिन पहले। अरे जी, ख्वाब ये है कि एक बहुत बड़ा समंदर है और समंदर पर बहुत बड़ा जहाज है और उस जहाज के 2 माले हैं। नीचे वाले माले में आप हैं और आपकी खिदमत में मैं हाजिर हूँ और ऊपर वाले माले में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाते हैं। हजरत जी, इतने में हजरत जी एक जमात आई, 20 थी। आपके जिम्मेदार ने आपसे अर्ज किया कि हमने ईशा की नमाज नहीं पढ़ी है, आप हमारी इमामत कर दें। तो हजरत जी, आपने इमामत करने से साफ इनकार कर दिया। फिर ऊपर के माले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको हुक्म दिया कि आप इनकी इमामत करें, तो आपने बाकायदा ईशा की नमाज पढ़ाई, सलाम फेरा। तो मैंने आपसे अर्ज किया कि हजरत जी, ये इंसानों की जमात नहीं है, ये जिन्नातों की जमात है। तो हजरत जी, मेरी आंख खुल गई। हजरत जी, ख्वाब अर्ज करना था। जज़ाकअल्लाह खैर। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। माशाल्लाह, इमरान खान मुनीरी इंडिया से आपने कॉल की है। अल्लाह ताला आपकी मोहब्बतों दुआओं को हमारे हक में कबूल फरमाए। और आपने ऐसा अजीबोगरीब ख्वाब सुनाया और मेरे लिए इतनी बड़ी बशारत और सआदत है कि इसकी कोई नज़ीर नहीं है। मैं तो इस काबिल नहीं हूँ, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र करम है और आपकी मैयत और साथ है कि अल्लाह तबारक व ताला जो है वो इशात दीन का काम ले रहे हैं। और आपने ये जहाज़ देखा और जहाज़ के ऊपर जो है दो जो है वो दर्जे देखे। ऊपर के दर्जे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, नीचे के दर्जे में मैं खादिम नाकारा हूँ। और जनाब वो भी जमात आती है, इमामत का मसला माशाल्लाह मैंने इनकार किया, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म देने के बाद जो है मैंने इमामत करवाई। ये और जो पता चला कि जिन्नात की जमात है, तो ये तो बड़े बहुत से इसमें उकदे हैं, बड़े इसमें राज हैं, बहुत ही खूबसूरत ख्वाब है। मतलब हमारा फैज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफैल से जो है वो आलम के अंदर फैलेगा फैलेगा, ना सिर्फ इंसानों में बल्कि जिन्नात तक इंशाल्लाह हमारा पैगाम हक पहुँचेगा और फैज़ान जो आगे से आगे जाएगा। और ऊपर हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र करम और आपका दस्त शफ़क़त है, ये फैज़ान जो है वो इंसानों से जिन्नात तक पहुँचेगा। और अल्लाह तबारक वताला इसी तरीके से जो है वो इमामत दीन का काम लेंगे और जो है वो आगे से आगे बढ़ाएंगे। तो आपका ख्वाब तो मेरी बड़ी बशारत है, अगरचे मैं इसका अहल नहीं हूँ और नाकारा हूँ, लेकिन बात वही है कि अल्लाह का फजल हो जाए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र करम हो जाए तो ज़र्रे को आफ्ताब बनना कोई मुश्किल नहीं है, कतरे को दरिया में बदल जाना कोई मुश्किल नहीं है। वो तो वो शान है रब की कि वो जो कन फ़ायकून से सारे मामलात करता है, और सुलह की नज़र करम वो तो जो है वो ज़मीन से आसमानों पर पहुंचा देती है। आपके ख्वाब से मैं इंशाल्लाह ये बशारत लेता हूं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े और तुफैल से इंशाल्लाह मेरे फैज़ान को पूरे आलम में जो है हर तरफ इंसानों जिन्नों तक पहुँचाएगा। अल्लाह तबारक व ताला शर्फ़ कबूल बख्शे, आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह अकबर।